चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपी की आंतरिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर जज जस्टिस एस ए बोबड़े को नियुक्त किया है। खुद जस्टिस बोबड़े ने इस मामले की पुष्टि की है। वरिष्ठता क्रम के मुताबिक वे सीजेआई के बाद वरिष्ठतम जज हैं। जस्टिस बोबड़े के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के दो जजों को शामिल करके कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में जस्टिस एन वी रमन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर पहली सुनवाई शुक्रवार को होगी और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को भी सभी दस्तावेजों और सामग्री के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को इस मामले की पहली सुनवाई होने वाली है। कमेटी में जस्टिस एस ए बोबड़े सहित दो अन्य जजों को भी शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते इस कमेटी का गठन किया गया है जिसमें आंतरिक जांच की जाएगी। शुक्रवार को इस मामले की पहली सुनवाई होने वाली है।